अब देखेंगे बच्चों, आज हम बताएंगे प्रश्नावली 1.2 के सभी क्वेश्चंस। अब इसमें हम ध्यान देंगे बच्चों, 1-2 रूल है, इसको हम इसी क्वेश्चंस में बताते वक्त इसको सीख लेंगे। अब हम देखेंगे प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन। बच्चों आप इसके पहले इसको पढ़ चुके होंगे, इसलिए इसको बता नहीं रहे हैं, क्वेश्चन के साथ ही बताते हुए चलेंगे। इसमें कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जरा इसको गौर से पढ़िएगा, क्वेश्चन को देख के घबराइए ना, इसको गौर से पढ़िए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक ना। अब चलिए देखते हैं इसको। पहला जो आपका कह रहा है इसमें, पहला है 140, पहला आपका है 140। अब 140 जो है आपका, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। 140 का क्या करना है बच्चों? अभाज्य गुणनखंड करना है। अब इसमें ध्यान देंगे आप थोड़ा सा, कि इसमें आपको विभाज्यता का रूल मालूम होना चाहिए। विभाज्यता का रूल आपको बिल्कुल डीपली आना चाहिए, जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ। 2 से विभाज्यता का नियम, 3, 4, 5, इस सबसे विभाज्यता का नियम मैं पढ़ा चुका हूँ, जो कि आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। 10 मिनट का एक वीडियो है, उसमें टोटल डीपली समझाया है, उसको जरूर देख लीजिए ये प्रश्नावली देखने से पहले। चलिए अब मैं इसको शुरू कर रहा हूँ। 140 का जो है अभाज्य गुणनखंड जो है ज्ञात करना है। कुछ नहीं है बच्चों, 140 का अभाज्य गुणनखंड देखिए, 2 से डिवाइड, सबसे छोटा संख्या 2 से सबसे पहले काटते हैं। देखिए 2 से कटेगा ये, तो यही विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम है। देखिए जिस 2 से विभाज्यता का नियम यही होगा, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो 2 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए, विभाज्यता का नियम होगा, उसको पहले देख लीजिए, जो कि बहुत ही आसान हो जाएगा ये आपके लिए। अब 2 से इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा 2 × 7 = 14, और 0 में ये करेंगे तो 0 उतर जाएगा। फिर 2 से देंगे तो ये हो जाएगा 2, 2 × 3 = 6, एक हासिल बचेगा, 10 हो जाएगा, 2 × 5 = 10 हो गया आपका। फिर देंगे इसमें, 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, विभाज्यता का रूल आप लोग जरूर उसको देख लीजिएगा, 3 से जाएगा नहीं, 4 से नहीं जाएगा, फिर 5 से जाएगा, 5 से हो जाएगा, 5 × 7 = 35, फिर आपका किससे हो जाएगा? 7 × 7, 7 स्वयं से कटता है या तो 1 से कटता है। अब देखो बच्चों, अब आप लिखेंगे, देखिए ये आपका हो गया, अब आप लिखिएगा यहाँ पे, यहाँ पे आप लोग लिखिएगा, अब लिखेंगे आप लोग काटने के बाद 140 = 2 × 2 × 5 × 7 × 1, ये आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया इसका। यही जो मैंने काटा है, यही इसका क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। अब देखेंगे इसी का दूसरा, बच्चों वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है इसलिए थोड़ा सा तेज़ी से चलेंगे। अब इसका दूसरा देखेंगे, अब इसका दूसरा, पहले क्वेश्चन का जो दूसरा है, पहले क्वेश्चन का दूसरा 156 है, बुक में देखिएगा आप लोग कितना है, 156। इसका निकालना है अभाज्य गुणनखंड, इसका अभाज्य गुणनखंड जब आप निकालेंगे तो 156 है। अब देखिए ये भी 2 से कट जाएगा, क्योंकि लास्ट में 6 है। 2 से विभाज्यता का नियम यही होता है बच्चों, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो संख्या 2 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाती है। तो इसको 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 × 7 = 14, 1 बचेगा, फिर इधर जाएगा 16, 2 × 8 = 16, फिर 2 से काटेंगे 2 × 3 = 6, 2 × 9 = 18, फिर आ गया ये 39 हो गया, 39, ये आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए 3 × 3 = 3, विभाज्यता का रूल आप पढ़ लेंगे तो तुरंत समझ जाएंगे, जरूर पढ़ लीजिए जाके पीछे प्लेलिस्ट में देखकर। 3 × 3 = 3, 3 × 3 = 9, ये हो जाएगा 13, 13 स्वयं 13 से कटेगा या तो 1 से कटेगा, तो 13 × 13, फिर आप लिखेंगे इसमें 156 = 2×2×3×13×1, ये आपका अभाज्य गुण। देखो ये एक आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, लेकिन कभी कभी ये बहुविकल्पी में अगर आपको पूछेगा तो एक दे देगा, तो एक वाला सही होगा, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब देखो, अब इसका तीसरा हो जाएगा, अब इसका तीसरा हो जाएगा ये 3825, तीसरा हो जाएगा आपका 3825। अब देखिए क्या ये मेरा 3825 जो है
डिवाइड सबसे पहले किससे हो रहा है, दो से होगा, नहीं होगा बच्चों, क्योंकि लास्ट में क्या है, पाँच है। तीन से होगा, सबको जोड़ लो। देखो इसी में थोड़ा सा बता भी दे रहा हूँ, तीन से आप जोड़ दीजिए, पाँच और दो सात, सात आठ पंद्रह, तीन अट्ठारह, तो ये तीन से शायद कट जाएगा, ये तीन से आपका कट जाएगा, क्योंकि अट्ठारह सबको जोड़ेंगे, अगर अट्ठारह आ रहा है, अट्ठारह अगर तीन से कटेगा तो ये भी संख्या हमारी तीन से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो तीन से सबसे पहले काट लेते हैं, तीन एकम तीन, तीन दूनी छः, तीन सते इक्कीस, तीन पचे पंद्रह, ये आपका हो जाएगा। फिर देखिए तीन से कटेगा, हाँ तीन से कट जाएगा, सबको जोड़ने के बाद तीन से कट जाएगा, तो ये भी संख्या तीन से कट जाएगी। अब देखो तीन से, तीन चौको बारह, तीन दूनी छः, ठीक, और ये तीन पचे पंद्रह हो जाएगा। अब देखिए 425 किससे कटता है, अब देखिए 425 किससे कटता है, क्या है? तीन से कटेगा, ये सबको जोड़ो, पाँच दो सात, सात चार ग्यारह, ये तीन से नहीं कटेगा, क्योंकि इसका सब संख्याओं का जोड़ जो है ग्यारह से नहीं कट रहा है। एक बार सभी लोग विभाज्यता का नियम जरूर देख ले, एकदम आसान हो जाएगा ये आपका। फिर इसको पाँच से काट देते हैं, पाँच से कटेगा, क्योंकि अंत में क्या है, पाँच है, जीरो और पाँच हो तो पाँच से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये हो जाएगा पाँच बटे चालीस, हाथ में लगा, अरे चालीस घटाएंगे हासिल बचा दो, पाँच पच्चीस हो जाएगा, पाँच पचे पच्चीस हो जाएगा आपका। फिर ये देखिए किससे कटेगा, ये भी पाँच से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा सत्रह, सत्रह आपका जो है स्वयं सत्रह से कटता है, वन आ गया ये। अब इसके लिए आप लिखेंगे विभाज्यता का नियम, तो लिखेंगे अड़तीस सौ पच्चीस बराबर तीन गुणे तीन गुणे पाँच गुणे पाँच गुणे सत्रह गुणे एक, ये आपका हो गया आंसर। बहुत टफ नहीं है ये, बहुत ही आसान है। अब देखेंगे जो है अगला, अब बच्चों देखेंगे अगला, अब आपका अगला है क्वेश्चन नंबर दो। अब इसमें थोड़ा रूल है, उसको भी हम बता लेंगे, जो कि अरे सॉरी इसमें बचा है नहीं, अभी इसमें बच रहा है, अभी इसमें बच रहा है, अभी इसमें ये बच रहा है, अभी इसमें आपका बच रहा है पाँच हजार पाँच। देखो जब थोड़ा थोड़ा ये जो संख्याएं हैं इसके लिए आपको दिख ही रहा है कि किससे कटेगा, ये संख्या आपको दिख रही है कि ये संख्या किससे कटेगी, ये संख्या सीधे किससे कटेगी, पाँच से कटेगी, पाँच एकम पाँच हो जाएगा, जीरो जीरो पाँच एकम पाँच। अब आ गया एक हज़ार एक, अब सोचने की बात है कि ये संख्या कितने कटेगा। देखो ये संख्या सीधे आपका कटेगा सात से, दो से नहीं कटेगा, काट के देख लेना, समय बहुत व्यतीत होगा यहाँ पे, मैं अगर पूरा डीपली ये करूँगा। विभाज्यता के नियम आप देखिएगा पाँच तक, उसके बाद अगर वो रूल नहीं काम करेगा तो आगे देखेंगे छः से, फिर सात से, तो ये सात से कट जाएगा आपका, सात से ही अगर कटेगा तो हो जाएगा सात एकम सात, तीन बता सात चौक अट्ठाईस, फिर बचेगा दो, फिर दो बचेगा ऊपर लाएंगे तो इक्कीस हो जाएगा, सात के इक्कीस हो जाएगा आपका। फिर अब देखेंगे ये संख्या किससे कटेगी, तो ये संख्या आप कटेगी ग्यारह से, ग्यारह एकम ग्यारह, ग्यारह तिया तैंतीस, फिर ये संख्या कटेगी आपका तेरह से सीधे। फिर भी विभाज्यता के रूल के लिए लिखेंगे आप फाइव जीरो जीरो फाइव इज इक्वल टू फाइव इंटू सेवन इंटू इलेवन इंटू थर्टीन इंटू वन, बस यही तो है आपका। अब देखेंगे अगला दे रहा है पांचवा, अब आपका पांचवा दे रहा है बच्चों, पांचवा आपका दे रहा है सेवन फोर टू नाइन, ये विभाज्यता का रूल इसका निकालना है, तो अब निकाल रहे हैं सेवन फोर टू नाइन। अब देखेंगे ये किससे कटेगा, अब ये देखने वाली बात है। अब देखेंगे ये संख्या आपका सीधे जाके कटेगी, देखो ये कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जिसको आप काफ़ी समय लगता है पकड़ने के लिए, एक दो से काटेंगे, तीन से, चार से, पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, ऐसे ऐसे ये जाते जाते किससे कटेगी, ये सत्रह से कटेगी। जब ये संख्या सत्रह से कटेगी तो सत्रह के सत्रह, सत्रह दो चौंतीस, सत्रह इक्यावन, सचों को अड़सठ, ये सत्रह चौक को अड़सठ, चार बज जाएगा, ये बचेगा छः, अड़सठ घटाएंगे तो क्या बचेगा छः, ये हो जाएगा बासठ, बासठ सत्रह या इक्यावन, फिर आपका बच जाएगा इक्यावन है ना, तो ये बासठ है तो आपका बच जाएगा ग्यारह, ग्यारह और उन्नीस, ये हो जाएगा ग्यारह बचेगा नीचे घटाने के बाद, और ये नौ ऊपर से आएगा एक सौ उन्नीस, सत्रह नौ क्या होता है बच्चों एक सौ नहीं सत्रह सते सॉरी सत्रह सते क्या हो जाएगा आपका एक सौ उन्नीस। अब फिर ये भी संख्या कटेगा उन्नीस से, किससे कटेगी उन्नीस से, तो जब उन्नीस से कटेगी आप तो उन्नीस दुनी अड़तीस, उन्नीस दुनी अड़तीस, ये बचेगा आपका पाँच, अड़तीस जब घटाएंगे तो बचेगा पाँच, और सात हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा सत्तावन, उन्नीस के उन्नीस, उन्नीस दुनी अड़तीस, उन्नीस या
57, ये आपका 23 आ गया। 23 आपका किससे कटेगा, 30 से, 1 आ गया। इसका लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड, 7429 लिखेंगे, 17 × 19 × 23 × 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक ना बच्चों, अब ये ख़त्म हो गया। अब देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैंने 140 का निकाल लिया, 156 का निकाल लिया, ये 3825 का निकाल लिया, 5005 का निकाल लिया, 7429 का निकाल लिया। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़िएगा, इसमें एक रूल बताएंगे, बस छोटा सा रूल है, दिया भी है इसमें। कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि, देखिए ये जांच करने के लिए रूल होता है, ये हमेशा याद रखिएगा, बस ये दो संख्याओं के लिए होता है, किसके लिए, दो संख्याओं के लिए। अगर संख्याएं 3 है तो ये रूल फॉलो नहीं करेगा, बस किसके लिए होगा, दो संख्याओं के लिए। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM होता है, ठीक ना। ठीक, ये 3 दिया है, तीनों निकाल लेंगे, बहुत टफ नहीं होगा। ये रूल आप लोग याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का ये रूल हमेशा फॉलो करेगा। मैं बोला हूँ ना कि जो भी होगा मैं क्वेश्चन का साथ बता दूंगा। तो ये आपका फार्मूला है, क्या है फार्मूला है आपका, फार्मूला आपका हो जाएगा 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर उसी संख्याओं का, दोनों का HCF गुणे, मतलब जो संख्याएं होंगी दो उन्हीं का HCF इंटू LCM। HCF का मतलब मस, LCM का मतलब लस, ठीक ना। या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर, देखो पहली संख्या और दूसरी संख्या का मस इंटू पहली संख्या व दूसरी संख्या का लस। अब तो ये समझ में आ गया होगा, इससे नहीं समझ पा रहे तो ये तो आसान हो गया होगा। अब चलो, अब देख रहे हैं बच्चों आगे, अब आगे देखेंगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका कह रहा है, एक क्वेश्चन आपका पहला मिल रहा है इसमें, बुक में देखिएगा दिया है 26 और 91। इसका लॉ HCF और LCM ज्ञात करना है, ये तो बहुत ही आसान है बच्चों, इसका LCM और HCF ज्ञात करना है। चलो अब देखते हैं, संख्या आपका था 26 और 91। देखो मौसा जिनको नहीं आता है, HCF नहीं आता है, इसको भी सिखा रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाएंगे आप तो आपको मिल जाएगा, इसका भी मैं सिखा चुका हूँ LCM निकालना और HCF निकालना, उसका उदाहरण भी दे चुका हूँ, उससे आप उसको देख लेंगे। चलो इसको सबसे पहले छोटी संख्या से काटते हैं, 13 स्वयं से कटेगा या 1 से कटेगा ऐसे, फिर इसको काटते हैं, फिर हम देखेंगे 91 को। जब 91 को देखेंगे तो 91 आपका किससे कटेगा बच्चों, सीधे 7 से कटेगा, 7 × 7 2 आएगा, 1 आएगा 21, 7 × 21 हो जाएगा। अब देखेंगे बच्चों आपका 13 × 13 हो जाएगा। तो मौसा सभी लोग लिखा रहे हो, मौसा निकाले हो सभी लोग, तो ये हमने क्या किया है, ये मैंने अभाज्य गुणनखंड किया, क्या किया है अभाज्य गुणनखंड। तो आप लिखेंगे 26 बराबर, मौसा निकालने के लिए 26 बराबर, चाहे अभाज्य गुणनखंड भी लिख सकते हो, 26 बराबर लिखेंगे 2 × 13 × 1, ये 91 बराबर लिखोगे 7 × 13 × 1। अब देखो बच्चों कंपेयर करते हैं कि कौन कौन संख्या मिल रहा है, क्या 2 ऊपर है नीचे कहीं पे 2 दिख रहा है, नहीं इसका जोड़ा नहीं बन पा रहा है, 13 है नीचे कहीं 13 है, हाँ है, सीधे दिख रहा है, तो एक जोड़ा मैंने ये बना लिया, ठीक ना, 1 का भी जोड़ा बन गया, और किसी का 7 का जोड़ा बन रहा है ऊपर में, नहीं 2 का जोड़ा बन रहा है नीचे, नहीं आपस में नीचे ही बस जोड़ा नहीं बनाएंगे, ऊपर इसका बनाएंगे इसका नीचे, नहीं बन पा रहा है, तो लिखेंगे हम HCF बराबर 13, एक जोड़ा में से लेंगे 13 × 1 बराबर क्या निकल जाएगा आपका 13, क्या निकल जाएगा 13, ठीक ना बच्चों, हो गया ये। अब देखो आप यहीं से आप
एलसीएम भी निकाल सकते हैं दोनों का, इसका और इसका एलसीएम ही से निकाल सकते हैं। लेकिन दोनों रूल में बता देता हूँ, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएंगे। देखो एलसीएम के लिए निकल रहे हैं यहाँ पे, ठीक ना बच्चों, ये है 26, ये है 91, ये दोनों संख्याएं आपकी किससे कट जाएंगी, दोनों संख्याओं को पहले देखते हैं किससे कटेगा। तो दोनों संख्याएं आपका अगर सीधे काटना हो तो मात्र किससे कटेंगी, 13 से कटेंगी, 13 × 26, 13 से 91। अब 2 से 2 कट गया, 7 बचेगा, 7 से 7 कट गया। बच्चों अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि मैंने आपसे इसके पहले यही बोला है, मैंने आपसे इसके पहले यही बोला है कि आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, ये समझिएगा बारी, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। देखो अब यहाँ पे आप लिखेंगे LCM बराबर क्या करते हो, 13 × 2 × 7, 14 × 13, 7 × 14 × 13, 13 का इसमें गुणा करो, 13 × 14 गुणा करो, 13 चौक को पढ़ लो पाड़ा, 13 चौक को 52, हाथ में लगा 5, 13 × 13, 13 और 5 कितना आ जाएगा बच्चों, 18, 100 कितना आएगा, 82, 182 आएगा, ठीक ना बच्चों। तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि मैंने इतना कार्य किया तब 182 आया। अब देखो ये समझ में आ गया कि नहीं, ये चीज़, ये आंसर ये सही है गलत नहीं है बच्चों, ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया, ऐसे सभी लोग जानते होंगे इसको, छोटे पर से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, एलसीएम करके मैंने निकाल दिया। लेकिन अब देखेंगे मात्र आपको निकालना है एचसीएफ, वहीं से आपका लसन निकल जाएगा। देखो यही सेम सिस्टम है, आपको समझ में आ जाएगा, लिखोगे एलसीएम बराबर, यही चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं लेकिन ये बगैर करे इसको निकालेंगे, ठीक ना। एलसीएम अब इसमें से जो मिल रहा है, ये जो एचसीएफ मिली हो इसको सेम ले लोगे, 13 × 1, उसके बाद जो संख्या बच रही है इसमें जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है, जो शेष बचा है उसको सीधे ले लेंगे। देखो 13 × 13, 7 × 14, देखो ये प्रक्रिया मिल गई, 13 × 14 बात एक ही होगी, 182, एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो जाएगा आप लोगों का, ठीक ना बच्चों। मैं आशा करता हूँ कि डाउट आप लोगों का थोड़ा दूर हो गया होगा, ये बारीकी है इसका, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला आपका क्वेश्चन है 510 और 92, 510 और कितना है बच्चों, 92, ये नहीं है बच्चों, सॉरी। अब यहाँ पे एक चीज़ और दिया था आपको इस क्वेश्चन में, पीछे वाले में मैंने गलती कर दिया, और आपको ये दे रहा था, देखिए यहाँ पे HCF और LCM ज्ञात करने के बाद इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM होता है। चलो इसको देख लेते हैं बच्चों, अब यहाँ पे जांच कर रहे हैं हम, ठीक ना, क्या कर रहे हैं, जांच करने के लिए कहा है ना, जांच करने जा रहे हैं, ठीक। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या क्या हमारी 26 है और 91 है, बराबर HCF × LCM, रूल लिखवाया ना उसके वाले बच्चे, उसी रूल पे चल रहे हैं, जांच कर रहे हैं। तो HCF क्या है बच्चों आपका, 13 है गुणे LCM क्या है, 182। इसका जब गुणा करेंगे आप लोग, ऊपर नीचे करके कर लीजिएगा, कि वो भी सिखाना पड़ेगा, अगर गुणा नहीं करना आता है तो एक बार जरूर कमेंट में आप बोलिए, मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा, एकदम विस्तृत बना दूंगा, ठीक ना बच्चों। अगर वैसे मैं आशा कर रहा हूँ आप लोग 10 में हो, गुणा करने आता होगा, गुणा करके देख लीजिएगा सभी लोग, गुणा करने के बाद आपका आ जाएगा, इधर भी गुणा करेंगे तो आएगा 2366, इधर भी गुणा करने पे क्या आ जाएगा आपका 2366। ये दोनों अगर बराबर हैं तो ये लस, ये मौस और ये लस दोनों हमारा क्या है, सही है। अगर ये बराबर नहीं होंगे तो ये हमारा क्या होगा, गलत होगा, ये दोनों आंसर मेरे गलत होंगे, ठीक ना बच्चों। चलो अब आगे देखते हैं, अब अगला आपका हो जाएगा, अब इसको देखेंगे, अब आपका अगला कह रहा है, अगला ये कह रहा है बच्चों 510 और 92। अब देखो अब उस तरीके से नहीं बताएंगे, अब सीधे निकाल देंगे, ठीक, और आपको भी समझ में आएगा, जो कि समय का बचत होता है, ठीक ना। 510 है, इसको पहले काटो 2 से 2 × 4, 2 × 5, 10 हो जाएगा आपका, फिर आपका बच जाएगा 1, 10, 2, 5, 10, 255 हो गया।
अब हम देखेंगे 255 किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 बचे 25, 5 एकम 5, फिर ये आपका कट जाएगा 3 से। विभाज्यता का रूल जरूर देखिएगा, ये आसान हो जाएगा आपका बिल्कुल। 3 से कटेगा, 3 से कटेगा तो ये आ जाएगा, 3 से जब काटेंगे 3 एकम 3, 3 सते 21, अब ये किससे कटेगा, 17 से कटेगा। उसी प्रकार से 92 को देख लेंगे, 92 जो आपका है 2 से कटेगा, 2 चौकू 8, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 तेई 6, आपका सीधे आ गया 23, 23 23 से कटेगा, 23 से कम 23, ठीक ना बच्चों। अब देखेंगे हम आगे, ये सभी लोग नोट कर लीजिएगा इसको, अब आगे देखेंगे हम चलिए अब बच्चे आगे देखते हैं, प्रयास से भी जल्दी से हो जाए, वीडियो लंबी हो जाती है तो बड़ा दिक्कत होता है। अब इसके बाद लिखेंगे हम लोग HCF बराबर, HCF बराबर आपका 510 का क्या था देखेंगे, 510 बराबर आपका आ जाएगा 2 इंटू, एक बार देख लीजिएगा आप लोग, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 1, आप लोग देखते रहिए उसको, और 92 बराबर आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 1, ठीक है बच्चों। अब इसका कंपेयर करेंगे, देखिएगा यहाँ पे बहुत जो है कंपेयर में भी गड़बड़ ना हो, हर एक चीज़ का बारीकी से समझते चलेंगे, बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक ना। अब बच्चों आप इसमें देखेंगे, चलिए अब इसमें देखेंगे 2 से 2 मिल रहा है, इसका कंपेयर हो गया, 2 से 2 मिल गया, एक जोड़ा बन गया, कंपेयर का मतलब क्या, जोड़ा बनाइए, क्या कोई नीचे 5 है, नहीं, इनका काम खत्म, 3 है, इन लोगों का काम खत्म, 17 है, इन लोगों का काम खत्म, 1 से 1 बन रहा है, इसको ले लेंगे, एक बार बार लिखेंगे नहीं तो फिर आगे चल के गड़बड़ी होगी, अभी मैं बताऊँगा कहाँ पर, एक लेने का रीजन है, एक हमेशा लेते चलेंगे, ठीक ना। लिखेंगे HCF बराबर 2 इंटू 1 बराबर 2, आपका HCF कितना आ गया, 2 आ गया, HCF कितना आ गया बच्चों, 2। अब निकालेंगे हम LCM निकालेंगे। अब बच्चों LCM निकालने के लिए मैंने आपसे बताया था कि जो कंपेयर बन रहा है, इसके पहले मैं बताया था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो कंपेयर बन रहा है उसके अलावा सबको लेकर क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 2 का कंपेयर बन गया, 1 का बन गया, इंटू जो है उसका कम गुणा कर दीजिए, 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 13, सबका गुणा जब आप करेंगे, गुणा करके देख लीजिएगा, जब सबका आप गुणा करोगे बच्चों तो आपका हो जाएगा 23,460। देखो बच्चों इसको मैंने पहले से कर रखा है तब मैं लिख ले रहा हूँ जल्दी से, ठीक ना, कि थोड़ा आसान हो, वीडियो छोटा हो, यहाँ पे भी कर सकते हैं लेकिन थोड़ा लेंदी होगा वीडियो, ठीक ना। चलिए अब देखते हैं, जाँच करते हैं इसका, अब इसका करेंगे जाँच। जाँच के लिए देखो ये ना था, मैंने बताया था पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM, इन्हीं दोनों संख्याओं का HCF, इन्हीं दोनों संख्याओं का LCM। पहली संख्या क्या थी बच्चों, 500, देखो पहली संख्या आपका क्या थी, 510, दूसरी 92, तब 510 गुणे 92 HCF आपका कितना आया बच्चों, 2। देखो एक आंसर ये हो गया है पहले से, अब उत्तर का जांच करना है, HCF कितना है, 2, और LCM कितना है, 23,460। अब देखेंगे इसका HCF कितना है, 2, और LCM कितना है, 23,460। इसका गुणा जब आप करेंगे, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है बच्चों, 46,920। और इसका जब करोगे तो ये हो जाएगा, गुणा कर भी सकते हो वैसे भी, मैंने कर रखा है पहले से, 46,920। ये हमारा क्या है, इसका जब ये दोनों बराबर आएगा, ये हमारा क्या बता रहा है, जब ये दोनों बराबर होगा तब हमारा एलसीएम क्या होगा, सही। ये कंडीशन है, ये होता है ऐसा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होती है किसके, HCF और LCM, उन्हीं संख्याओं को निकालने के गुणा करने पर, निकाल के गुणा करने पे ये दोनों क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, ठीक ना बच्चों। चलिए अब आगे देखते हैं इसका थर्ड वाला पार्ट,
थर्ड वाला पार्ट है आपका 336 और 54। ठीक है बच्चों, अब लिखेंगे 336 को पहले निकालेंगे इसका LCM। क्या निकालेंगे बच्चों? LCM। दो से काटेंगे, दो एकम दो, दो एकम दो, दो छक्का 12 है ना, दो अठे 16। सब लोग इसको काट लेते होंगे, फिर दो से काटेंगे, दो अठे 16, दो चौको 8, फिर दो से काटेंगे, दो चौको 8, दो दूनी 4, फिर दो से काटेंगे 21 आ जाएगा, फिर ये तीन से कटेगा, 3 × 7 = 21, फिर किससे कटेगा बच्चों? 7 से कट जाएगा। ठीक, अब देखेंगे 54, ये कटेगा आपको 2 से। देखो विभाजिता का नियम देखेंगे तो आसान हो जाएगा। ठीक, पहले उसको देख लीजिएगा फिर उसको लगाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। 2 से इसको जब काटेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 27। देखो 2 × 4 = 1 हो जाएगा, 2 × 7 = 14। फिर 3 से काटेंगे तो 3 × 3 = 9, फिर 3 से काटेंगे 3 × 3 = 9, फिर 3 से काटेंगे 3 × 1 = 3। अब यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे 36 बराबर, कंपेयर कर रहे हैं, जोड़ा बना रहे हैं 54। 36 का अभाज्य गुणनखंड क्या था? 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7 × 1। इसका क्या था? 2 × 3 × 3 × 3 × 1। अब जोड़ा बनाएंगे, ठीक ना, 2 2 का जोड़ा बन गया, जैस 2 है तो 2 के साथ ही बनेगा, अन्य किसी के साथ नहीं बनेगा। ठीक ना, 2 से और कोई 2 है? देखो नहीं है, तो जितना 2 है उसका जोड़ा नहीं बनेगा। 3 है तो 3 से मात्र एक जोड़ा, किसी भी 3 के साथ बना सकते हो, इसके भी साथ बना सकते हो, इसके भी साथ बना सकते हो। 7 है? नहीं, 1 है, 1 का 1 के साथ बन जाएगा। ठीक ना बच्चों, अब किसी का जोड़ा नहीं बन रहा है, देखो 2 का नहीं जोड़ा बन रहा है, 3 का, अब कोई दूसरा जोड़ा नहीं, एक जोड़ा बन गया, हो गया। ठीक ना, अब लिखेंगे आप यहाँ पे HCF बराबर आपका जाएगा 2 × 3 × 1 = 3 × 6। ये आपका एक आंसर हो जाएगा HCF वाला। ठीक, और इसका लसा जब निकालेंगे बच्चों, इसका जब हम लसा निकालेंगे तब देख रहे हैं आपका, इसका लसा निकाल के देख लेते हैं। ठीक ना बच्चों, लिखेंगे LCM, देखो इंग्लिश में LCM, हिंदी में लसा। ठीक ना, इसे भी लिखो, गलत नहीं होगा बोर्ड एग्जाम में। जितना भी आपका इसमें था, जितना भी आपका इस जोड़ा बनाने के बाद बचेगा, देखो 2 का जोड़ा बन गया था, 3 का बन गया था, 1 का बन गया था, बच कह रहा है 2 × 2 × 2 × 7 × 3 × 3, सबका कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक ना, सबका कर देंगे गुणा। अब बच्चों जब सबका गुणा करेंगे तो सब लोग गुणा करके देख लीजिएगा, नहीं तो बहुत वीडियो बड़ी हो जाएगी। ठीक ना, सबका गुणा करेंगे 3 × 2 = 6, ऐसे करके अलग अलग बांट के कर लीजिएगा, आएगा आपका 3024। गुणा करने के बाद कितना रहा बच्चों? 3024। फिर हम ध्यान देंगे इसमें, ये आपका हो जाएगा, ये गुणा करने के बाद जो आएगा वो आपका LCM हो जाएगा। ये भी एक क्या है? आंसर। ठीक ना, HCF कितना आया था? 6, और आपका ये LCM कितना आ गया? 3024। अब इसमें हम देखेंगे बच्चों, अब इसमें हम जांच करेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला है कि जांच करिए। ठीक ना, जांच के लिए बार बार फार्मूला मैं लिख रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। देखो इसको अगर आगे भी पीछे कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, इसको इधर, तभी गलत नहीं होगा, इसका ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक ना, अब आपका हो जाएगा, पहली संख्या क्या थी? 336 गुणे दूसरी संख्या क्या थी? 54 बराबर इसका HCF कितना आया है? 6। LCM कितना आया है? 3024। इसका अगर मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आएगा 18144। गुणा करके देख लीजिएगा ऊपर नीचे, आप ऐसे भी गुणा करके देख सकते हैं, कोई बात नहीं है साइड में। ठीक ना, अब इसका जब गुणा करोगे तभी कितना आ जाएगा? 18144। ये दोनों क्या आएगा आपका? बराबर करके देख लीजिएगा। ठीक ना बच्चों, अब इसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर, हाँ ये खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका,
अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। और हाँ, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये कंडीशन आपको बताए थे, लेकिन ये बस दो संख्याओं के लिए है, तीन संख्याओं के लिए ये रूल आपका फॉलो नहीं करेगा। यानी कि 12 और 15 के लिए तो करेगा, और एक संख्या क्या मिल गई 21, इसके लिए फॉलो नहीं करेगा। किस विधि से आपका निकालना है? अभाज्य गुणनखंडन विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। चलिए मैं पहला देख रहा हूँ, पहला आपका ये कह रहा है, तीसरा का पहला ये कह रहा है 12, 15 और 21। तो 12 को सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंडन कर रहे हैं, 2 से 6, 3, 1, फिर अब करेंगे 15 से, किसे करेंगे बच्चों, 15, 3, 5, 15, 5 एकम 5। अब हम देखेंगे बच्चों 21 का, अब 21 का देखेंगे हम, तो 21 का हो जाएगा 3 7 21 7 एकम 7। अब हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे, या अभाज्य गुणनखंड भी बोल सकते हैं, बराबर लिखेंगे 2 × 2 × 3, ये 15 हो जाएगा 3 × 5, ये 21 हो जाएगा 3 × 7। अब हम कंपेयर करेंगे तीन का, ये ध्यान दीजिए यहाँ पे, जैसे 12 और 15 यानी दो संख्याओं का जब हम एचसीएफ निकाल रहे थे तो दो संख्याओं के साथ कंपेयर कर रहे थे, अब जब तीन संख्याओं का निकालना है तो तीन संख्याओं के साथ कंपेयर करेंगे, चार संख्याओं का निकालेंगे तो चार संख्याओं के साथ कंपेयर करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, तीन का निकालना है 12, 15 और 21 का, तो तीन का जोड़ा बनाएंगे, दो के साथ कोई नहीं मिल रहा है, दो के साथ कोई नहीं मिल रहा है, तीन के साथ देखिए मिला, 3, 3, 3, यानी कि ये एक जोड़ा ये आपका बन गया, कहीं भी संख्या रहे, आगे पीछे कहीं भी रहे, जोड़ा आपका बन जाना चाहिए। दो के साथ नहीं बन रहा है, दो के साथ नहीं बन रहा है, पांच के साथ नहीं बन रहा है, तीन और सात के साथ नहीं बन रहा है, गुड़े वन भूल गए हैं सॉरी, ये भी एक आपका जोड़ा हो जाएगा। इसको लेना अनिवार्य है क्योंकि आगे समझ में आएगा, ठीक ना। देखेंगे हम एच सी एफ बराबर 3 × 1 बराबर कितना आ गया, 3, ये आपका एक आंसर हो गया, ठीक। अब एलसीएम जैसे तीनों के एक साथ में, एलसीएम तीनों को लेके एक साथ में निकालते थे, यहाँ पे बच्चों आप ऐसे भी निकाल सकते हो, इसके पहले बता चुके हैं, ठीक ना, जो जिसका आपको जोड़ा मिल रहा है तीन का कंपेयर, उसको ले लेंगे एक साथ, उसके बाद जो भी बच रहा है 2 × 2 × 5 × 7 गुणा कर लीजिए, सबका गुणन करने के बाद आपका हो जाएगा, देखो मैं गुणा करके दिखा देता हूँ, ये हो जाएगा 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, ये हो जाएगा 7 × 5 = 35, ठीक ना। अब इसके बाद इसमें आप गुणा जब करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 12 × 5 = 60, हाथ में लगा 6 × 12 = 36 = 42, 420 आएगा, क्या आएगा आपका 420 आंसर इसका आ जाएगा। अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर दो में 17, 23 और 29, ठीक ना, 17, 23 और 29। अब इसके लिए हम देखेंगे बच्चों, निकालेंगे इसका 17 सिर्फ 17 से कटेगा, 23 सिर्फ किसे कटेगा 23 से, 29 सिर्फ किसे कटेगा 29 से, ठीक। अब इसका हम कंपेयर बनाने के लिए करेंगे, 17 = 17 × 1, 23 = 23 × 1, 29 = 29 × 1। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, मैं एक क्यों लिख रहा था ये समझ में आ जाएगा, 17 कंपेयर बन रहा है नहीं, 23 का नहीं, 29 का नहीं, लेकिन 1 का बन रहा है, ठीक ना। अगर ये 1 छोड़ते बच्चों तो आप फंस जाते कि सर फिर कंपेयर किसी का नहीं बन रहा है, इसका मतलब इसका एस सी एफ 0 होगा, नहीं, इसका एस सी एफ कितना होगा बच्चों, जो कंपेयर बन रहा है 1, ठीक ना बच्चों, 1 क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब एलसीएम निकालने के लिए कहते हैं, एलसीएम निकालने के लिए कहते हैं, तो कंपेयर जिसका बना उसको ले लेंगे और जो बच रहा है उसको साथ में ले लेंगे, 17 × 23 × 29, ठीक ना बच्चों। अब इसके लिए जब आप करोगे तो इसका जब गुणन करोगे, गुणा करके आप लोग सभी लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा 11,000
339, ये आपका एक आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 11,339 ये आपका एक आंसर हो जाएगा। जो समझ में आ रहा होगा, प्रयास तो यही है कि अच्छे से समझ में आए। अब चलो देखते हैं तीसरा है 8, 9 और 25। ठीक है ना, बुक में देखिए 8, 9 और 25, इसका आपको निकालना है पहले HCF। HCF निकालते हैं, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 9 से 3 से कटेगा 3, 3 के 9, 3 एकम 3, ये 25 है, 5 से कटेगा 5, 5 25, 5 एकम 5। 8 बराबर जब लिखेंगे 2 × 2 × 2, 9 बराबर जब लिखेंगे 3 × 3, 25 बराबर लिखेंगे 5 × 5। ठीक, अब इसमें आप देखेंगे कंपेयर क्या बन रहा है किसी का, किसी का कंपेयर नहीं बन रहा है, किसी का कंपेयर नहीं बन रहा, वर्ड छोड़ दिए थे मन ले लिए हैं। ठीक ना, किसी का भी कंपेयर नहीं बन रहा है। देखो 2 का कंपेयर बन रहा है नहीं, 3 का नहीं बन रहा है, 5 का नहीं बन रहा है, लेकिन 1 का बन रहा है, इसलिए लिखेंगे HCF आपका कितना हो जाएगा 1, ये एक आंसर हो गया। ठीक ना, अब LCM के लिए देखेंगे, LCM के लिए देखेंगे तो सबका आपस में क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5 × 1। ठीक है, जो कंपेयर लिया उसको एक लेते हैं। ठीक, अब सबका क्या करेंगे बच्चों, गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 22,338, 22,338, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक ना, गुणा कर लीजिएगा सभी लोग, ये नहीं कि मैं ऐसे कर दिया तो आप लिख ले, नहीं, गुणा करके सभी लोग निकालेंगे। ठीक, अब जो है ये हो गया क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। अब आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए ध्यान से समझिएगा, HCF मतलब इनका मौसा ये निकला है। देखिए इसे घबराइएगा मत, जो ब्रैकेट में दे दिया, कह रहा है HCF 306 और 657 का कितना है 9, यानी 306 और 657 का कितना है 9 है, और LCM आपका इसका ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। ठीक ना, मैं पहले लिख लेता हूँ फिर समझा रहा हूँ, बहुत ही आसान है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। HCF दिया है 306 और 657 का कितना 9, अब देखेंगे ये हमारी पहली संख्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी हमारी दूसरी संख्या। ठीक ना, पहली संख्या दूसरी संख्या है ना, ये पहली संख्या है दूसरी संख्या, दो संख्याओं का HCF है। ठीक ना, और इन्हीं संख्याओं का क्या निकालने के लिए कह रहा है LCM, इन्हीं संख्याओं को क्या निकालने के लिए कह रहा है बच्चों, LCM पूछ रहा है, तो आपको इस रूल से निकालना है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM, इस रूल से आपको निकालना है। ठीक ना, तो पहली संख्या क्या है बच्चों 306, क्या है 306, दूसरी संख्या 657, HCF कितना दे रखा है इसका 9, LCM क्या करना है आपको ज्ञात करना है, LCM आपको ज्ञात करना है। अब ध्यान देंगे आप लोग, 8 में ये चीज़ पढ़ चुके होंगे, अगर कोई संख्या एक साइड गुणा करती है तो उधर जा क्या करेगी भाग, तो लिखेंगे LCM, देखो ये LCM निकालना है। ठीक ना, ये क्या है LCM निकालना है, तो ये क्या कर रहा है गुणा, इधर जाके कर देगा भाग, तो इधर बचेगा LCM, तो LCM बराबर, ये चीज़ मैंने इधर कर दिया, LCM बराबर 306 × 657/9, 9 से काट दीजिए इसको, 9 × 3 = 27 बचेगा 3, अच्छा है 36, 9 चौक 36, LCM बराबर 34 × 657, जब आप गुणा करोगे इसका तो आपका आ जाएगा बच्चों, इसका आपका आ जाएगा बच्चों, गुणा करेंगे जब आप, तो ये जगह 22,338, ये आपका आंसर हो जाएगा 22,338। बच्चों इसके पहले मैंने एक मिस्टेक कर दिया है, पहले ही करके रखा था इसलिए गड़बड़ी हो गई है। ठीक ना बच्चों, ये वाला इतना नहीं होगा। ठीक ना बच्चों, ये आपका हो जाएगा, ये मैंने मिस्टेक हो गया, ये आपका हो जाएगा 1800। ठीक ना बच्चों, ये क्या हो जाएगा आपका
1800, ये गलती से हो गया है, ठीक है बच्चों। अब आप ध्यान देंगे इसके लिए, अब आप देखेंगे ये हो गया चौथा, चौथा इसका लग गया, ये क्वेश्चन नंबर चार आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। पांचवा कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। फिर पढ़िए एक बार, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये बहुत आसान का मतलब ये है कि इसके लिए थोड़ा सा रूल होता है, मैं रूल लिखवा दे रहा हूँ, अभी रूल लिखवा दूंगा, उसी रूल पे चलेगा ये, ठीक ना। अभी उसको रूल को क्या करता हूँ, मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर पाँच आपका है जो, इसके लिए आप लिखेंगे, एक रूल लिखिएगा, यदि बोर्ड परीक्षा में भी अगर आ रहा है तो ये रूल लिख, यही रूल लिखना है आपको, यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार दो गुणे पाँच आना चाहिए। ये याद कर लीजिए आप लोग, ठीक ना बच्चों, दो गुणे पाँच आना चाहिए। अब देख लेते हैं किसका निकालना है आपको, 6n का, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः 6 का गुणनखंड करने पर, 6 का गुणनखंड करने पर, 6 के गुणनखंड करने में अगर उसके अंदर 2 × 5 का गुण एक आ जाता है, कोई 2 × 5 मिल जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शून्य पे समाप्त हो जाएगी। तो 6 का करते हैं, 2 × 6 = 3 क्या इसके अभाज्य गुणनखंड में 6 = 2 × 3 × 1 क्या कहीं पे 2 × 5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या है आपका, शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो ऐसे लिखेंगे आप, चूंकि 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 × 5 के रूप का नहीं है, अर्थात इस प्रकार से बोर्ड परीक्षा में आएगा तो लिखेंगे आप लोग, नोट्स बना लीजिएगा इसका, अर्थात यह कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी, शून्य पर समाप्त नहीं होगी किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, ठीक ना बच्चों। इतना इसका आंसर होगा, बहुत थोड़ा सा इसमें आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जो भी एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रैक्टिस करना होता है, ठीक है। वैसे क्वेश्चन एक ही दो क्वेश्चन बनते हैं, जो ये क्वेश्चन था इससे एक ही क्वेश्चन ऐसा होगा, इसके अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, घबराने की कोई बात नहीं है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अब देखेंगे बच्चों भाज्य और अभाज्य पहले समझ लेते हैं। देखिए इसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप जाके जो है प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, जितना कंसेप्ट है पूरा कंसेप्ट क्लियर कराया है, ठीक ना बच्चों। अब देखेंगे हम इसका
क्वेश्चन नंबर छः, क्वेश्चन नंबर छः, पहले भाज्य और अभाज्य समझते हैं। भाज्य समझते हैं, भाज्य संख्याएं किसको कहेंगे, भाज्य संख्याएं किसको कहेंगे। देखिए वह संख्या, ध्यान दीजिए, वह संख्या जो एक से कटे, ठीक ना, स्वयं से कटे, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा ये यूज होगा, एक से कटे, स्वयं से कटे और किसी अन्य संख्या से कटे, अन्य संख्या से कटे, क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, भाज्य संख्या किसे कहेंगे, या तो एक से भी कटे, अपने से कटे, अन्य संख्याओं से भी कटे, उसको क्या कहेंगे, भाज्य संख्या, ठीक ना, यानी कि दो से अधिक संख्याओं से कटे, या ये भी बोल सकते हैं दो से अधिक संख्याओं से कटे, ठीक ना, ये याद रखिए, ठीक। अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, ध्यान दीजिएगा, अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, वे संख्या, वे संख्या जो एक व स्वयं से कटे, अभाज्य संख्या कहलाता है, ठीक ना, जो एक से कटे और स्वयं से कटे उसको क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या, और भाज्य संख्या जो एक से कटे, स्वयं से कटे और अन्य संख्याओं से कटे, यानी कि वह दो संख्याओं से अधिक संख्याओं से कटे, ये मात्र दो संख्याओं से कट रही है, ठीक ना बच्चों। चलिए बच्चों अब क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर छः आपका दे रखा है, बहुत ही आसान है, ठीक, ये का आपको संख्या दे रहा है 7 × 11 × 13 + 13, इसको बताना है कि हमारा भाज्य संख्या क्यों है, देख रहे हैं, ठीक ना, इसको देखते हैं कितना मल्टीप्लाई लास्ट मिलता है, ठीक, इसमें से आपको कॉमन क्या मिल रहा है, एक ये संख्या, एक ये संख्या, देखो गुणन में है और ये अकेले है, प्लस है बीच में, ठीक, इसमें आपको कॉमन क्या मिलेगा, 13, 13 का कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 × 11 × 1, है ना, ये प्लस 1, इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 × 77 + 1, ये हो जाएगा 13 × 78, ठीक ना। अब देखो एक हमेशा मैं बार बार ले रहा था, किसी के जब ये करेंगे तो क्या आएगा, आपका एक आएगा, किसी संख्याओं को अगर आप काट रहे हो तो उसके आगे क्या आता है, एक आता है, ठीक ना। तो ये देखो तीन संख्या मिल गया, ये संख्या 13 से भी कट रहा है, जो भी आप गुणा करके आप निकालोगे वो संख्या 13 से भी कटेगा, 78 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, तो ये हमारी संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी बच्चों, भाज्य संख्या हो जाएगी, आया समझ में, ठीक। अब यहां पे लिखेंगे आप लोग, दो से अधिक गुणनखंड रूप होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है, ठीक ना बच्चों, ये 13 से भी कटेगा, 78 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, ठीक। अब इसी तरह अगला आपका दे रहा है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, इसमें क्या कॉमन मिला आपका, 5, 5 जब आप कॉमन लोगे, देखो यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, 5 कॉमन लोगे क्या बचेगा, 7 × 6 × 1 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1, ये नहीं मिलेगा आपको। अब देखो सबका गुणा कर दो, 5 ब्रैकेट में, जब आप सबका गुणा करोगे तो आपका मिल जाएगा आपको, देखो 7 × 42 × 4 = 24 + 1, ये नहीं मिलना आपका, सबका जब आप गुणा करोगे, ये इसका इसका गुणा करोगे आप, तो आपका मिलेगा 1008, क्या मिलेगा बच्चों, 1008, ये प्लस 1,
तो ये हो जाएगा 5 × 1009, इसको जोड़ दिए ठीक, गुणे एक। ठीक ना, ये हमारा ये क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गई, क्योंकि ये दो संख्याओं से ज्यादा इसका गुणनखंड आ गया। देखो 5 × 1009 × 1 आ गया ना। अब लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप सेम यही चीज लिखेंगे इसी तरह के ठीक। दो संख्याओं से अधिक गुणनखंड रूप होने के कारण यह संख्या क्या हो जाएगी आपकी, यह एक भाज्य संख्या हो जाएगी, यह क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी, यह क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक ना बच्चों, अब चलो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है ठीक ना। अगर इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, सोनिया नाम की कोई लड़की है उसको कितना लगता है, 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, कितने मिनट, 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय से चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितनी समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिएगा आप लोग पहले इसको समझिए, क्वेश्चन समझ लेंगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। ये कोई ग्राउंड बना रहे हैं क्या बच्चों, ग्राउंड दौड़ने वाला ठीक ना। अब देखेंगे एक स्थान है, यहाँ से सबको चलना शुरू करना है ठीक ना। एक स्थान है, ये सोनिया है, ये रवि है, ये कौन है, रवि, और ये कौन है आपका, सोनिया, ये समझा रहे हैं ठीक ना, सोनिया ठीक ना बच्चों। अब ये कह रहा है कि जो है रवि जो है, देखो इस कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया कितना लग रहा है, 18 मिनट, और रवि कितना लग रहा है, 12 मिनट ठीक, 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय से चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में दौड़ते हैं। देखिए दोनों लोग इस दिशा में दौड़ रहे हैं, दोनों लोग एक ही स्थान से एक ही समय पर इस दिशा में क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो कितने समय बाद, यानी न्यूनतम दूरी कर रहा है, क्या हो रहा है, न्यूनतम दूरी, अरे सॉरी न्यूनतम समय पूछ रहा है, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, वो आप पुनः कितने प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। तो जब आपको न्यूनतम समय पूछे तो हम क्या निकालते हैं बच्चों, न्यूनतम जब समय पूछता है तो एलसीएम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो इसका हम क्या निकालेंगे बच्चों, एलसीएम, क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो 12 का देखो क्वेश्चन नंबर 7, 18 का और 12 का क्या निकालेंगे, LCM। अगर निकाल देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर इसका मिल जाएगा कि वो कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पे मिलेंगे। 18 का और 12 का मैं LCM निकाल रहा हूँ, दो से काटेंगे इसको, 2 × 6 = 12, 2 × 9 = 18, 3 × 3 = 6, 3 × 2 = 9, फिर 2 × 2 = 2, 3 × 3 = 3। अब निकल लिखेंगे LCM बराबर 2 × 3 × 2 × 3, 3 × 6 = 12, 12 × 3 = 36। आंसर क्या आ गया आपका, 36 मिनट। आंसर क्या आ गया बच्चों, 36 मिनट। आप लिखेंगे यहाँ पे, आप लिखेंगे दोनों प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों, इसमें ये आपका ख़त्म हो गया। इसमें किसी को जो भी डाउट होगा वो कमेंट में लिख के ज़रूर भेजेगा। और इसके बाद बच्चों आप लोगों को इसमें जितना भी कंसेप्ट यूज हुआ है, मैंने विभाज्यता का नियम, भाज्य अभाज्य ठीक ना बच्चों, ये सब आपका प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, इसको सभी लोग देख लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।